बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं दोनों सरोजनी नगर। जो पता ही है आपको सरोजनी नगर किस चीज़ के लिए इतना फेमस है कि वहाँ पे इतनी सारी सही सही चीज़ें मिलती हैं और एकदम सही रेट पे मिलती हैं। जाएंगे वहाँ पे इवन फॉर माय बर्थडे शॉपिंग आल्सो, बिकॉज मेरा बर्थडे है कल यानी कि संडे को। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिल सकता है मेरे को अपने लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको पिक करने के लिए। आज मैं जा रही हूँ पिक करने के लिए, ऑन टाइम हूँ मैं। आज मैं टाइम से आई हूँ। मैं भी टाइम से ही हूँ भाई। आज दोनों टाइम से हैं, ठीक है ना। बस लेट मैं नहीं होता। 5 मिनट का तू लेट हुई है, 5 मिनट मैं लेट बस नहीं हुआ। बारिश में खड़ा करवाया है। बारिश अब होनी स्टार्ट हुई है, अब हो रही है बारिश। पता नहीं सरोजनी नगर में अगर बारिश हो रही होगी तो लॉल हो जाएगा, एलओएल लॉल हो जाएगा। क्योंकि ये छाता भी नहीं लेंगे। अब छाते में शॉपिंग करेंगे यार। यार छाता लेके चलते कम से कम। तो भाई वो जो बैठे होते हैं वो भी नहीं बैठे होंगे ना। अच्छा अब हो रही है बारिश, और अगर वहाँ हो रही होगी बारिश तो क्या करेंगे? फिर कहीं और जाना पड़ेगा। कहीं तो जाएंगे, जाएंगे? अब निकले हैं तो कहीं तो जाएंगे ना भाई। ये देखो तेरी बारिश कैंट एरिया में हो रही है भाई। अभी तक पर पूरा मौसम तो बनी रखा है बारिश का यार। हाँ नॉर्मल है। वो सामने क्या हो रहा है? धुआं धुआं। मिट्टी। मिट्टी नहीं है, दीवार है। अबे वो तो दीवार है। वहाँ मिट्टी उड़ रही है। पर चलते हैं फटाफट अंदर। हमें तो गेट नंबर ही पता, किसी भी गेट नंबर से घुसेंगे अंदर। किसी भी गेट नंबर से, एक ही गेट है। अबे बहुत गेट है यहाँ पे यार, 2-3 गेट है। हम तो पहुंच गए। सरोजनी नगर हमारे सामने है इस वक्त। सामने क्या आ गए हैं भाई। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी लगेगी ना फिर बाहर जाके। बाहर गर्मी हो रही है। अबे नॉर्मल है मौसम, एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है। पता नहीं इन लड़कों को ज्यादा गर्मी लगती है। भाई जिम वगैरह करते हैं ना। भाई जिम मैं भी करती हूँ। हाँ तो हम अच्छे से 2-2.5 घंटे करती हूँ। हम बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं ना, तुम्हारे तरह ऊपर ऊपर से नहीं मार के आते। ठीक है वो तो, 5-5 किलो के डंबल नहीं उठाते। वो 40-40 बेटा पता लग ही गया है वो तो। हाँ ठीक है ना, ज्यादा मजबूत तू बेटा, तंदूर। जैसे ही आप सरोजनी नगर से अंदर आओगे आपको अपने आप थोड़ी देर के बाद स्टॉल्स दिख जाएंगे जो 50 रुपीज़, 150 रुपीज़ इन चीज़ों में होंगे। अपने आसपास पास आपको एक्सप्लोर करना होगा। यहाँ पे मेरे को एक बेल्ट का स्टॉल दिखा था जो 300 रुपीज़ में बेल्ट दे रहे थे और जिसका प्राइस बहुत ही सही था। यहाँ पे 50 रुपीज़ ईच मेरे को रिंग्स मिल रही थी, जहाँ पे मेंस रिंग्स भी अवेलेबल थी। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ में रिंग्स थी और सच्ची में बहुत ज़्यादा प्रीटी थी, और 50 रुपीज़ प्राइस एकदम बिल्कुल ठीक है। यहाँ से मैंने 1-2 रिंग्स पसंद करी थी जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो एडजस्टेबल भी थी। और यहाँ पे मिल रहे थे बहुत ही ज़्यादा क्यूट इयर रिंग जो इस वक्त ट्रेंड में है और एकदम सही प्राइस में 50 रुपीज़ में। यहाँ पे जीन्स वगैरह मिल रही थी जिनका प्राइस रियली बहुत अच्छा था, 100 रुपीज़ ही यहाँ पे सेल थी। कुछ भी लो आप, शॉर्ट्स लेनी है यहाँ पे, शर्ट्स टी शर्ट्स 50 रुपीज़ में और 100 रुपीज़ में, ये सारी चीज़ें अवेलेबल। पे मैंने अपने लिए मोबाइल कवर देखा था, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटीज़ में सारे मोबाइल कवर्स अवेलेबल थे 150 से 350 की रेंज में। उसी के आगे यहाँ पे इयररिंग्स की शॉप थी जिसके पास बहुत ही क्यूट इयररिंग्स थे, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये महंगा दे रहा था। तो मैं थोड़ा सा इसके बाद आगे चली गई थी देखने, बट यहाँ पे भी अच्छे इयररिंग्स मिल रहे थे, बस आपको अच्छी शॉप देखनी पड़ेगी। कुछ आ रहा है समझ में? कम ऑप्शन में देख लिए, फिर तो कुछ दिखता ही नहीं। यहाँ पागल कर रही है ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा। यहाँ 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ की सेल आपको हर जगह दिखेगी।
पे सैंडल्स की शॉप में कम से कम 250 ऐसे रेंज में आपको सैंडल्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है। मेंस की जो थी यहाँ पर 200-250 ऐसे रेंज में थी, झुमकी 30 रुपीज़ में। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है यहाँ पे घर एक्सेसरीज आपको चाहिए घर पे सजाने के लिए, बाय 2 get 5 ये वाला ऑफर आपको ज़्यादातर शॉप में मिलेगा। जीन्स टॉप यहाँ पे 150-100 स्टॉल्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी। ये मोमोज खा रहा है अभी पिछली बार। सारी शॉपिंग हो गई हमारी, सारी ए टू जेड सारा हमने सामान ले लिया है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी है पहले जब स्टार्टिंग करी थी वीडियो की, तब शक्ल कैसी थी, और अब जब एंड करने जा रही तब शक्ल कैसी हो चुकी है। तो कसम से जो भी हमने सारा सामान लाया है वो सारा शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। नगर मार्केट में आपको काफ़ी घूमना पड़ेगा, अगर आपको अपना सामान लेना है ना तो फिर आपको घूमना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना घूमे तो काम होगा नहीं। खाया और शेक पिया बस और शेक भी इतना घटिया थर्ड क्लास शेक, पर मोमोज ठीक थे। मैंने 2 पीस खाए, इसने 8। भाई कितना झूठ, 5 पीस तूने खाए, 5 पीस मैंने खाए। छोटे छोटे थे पर मोमोज, ज्यादा बड़े नहीं थे। जम्बो वो नहीं था इतना था, छोटा पर अच्छे थे मोमोज, अच्छे थे और फिलिंग बहुत ज्यादा, मतलब फिलिंग पूरी थी। हम उसकी ऐड नहीं करने गए थे जो रिव्यू दे रहे हैं। रिव्यू तो यार देना पड़ता है, पर क्या बोलते हैं आज सरोजनी नगर मार्केट में वो भी था ऐसा, पर अब सरोजनी नगर मार्केट में आपको रश तो मिलेगा। हाँ। पर दुकानें जैसे बहुत ज्यादा क्लोज थी ना, मतलब हाँ। कंजेस्टेड था, अब इतना कंजेस्टेड नहीं है, क्योंकि बार बार पुलिस वाले आ रहे थे तो इसलिए वो अंदर करे जा रहे थे बार बार। पहले अंदर बार अंदर हर जगह भीड़ थी सरोजनी नगर में, जब मैं नवंबर में आई थी लास्ट, कितनी भीड़ थी, और अब तो कुछ भीड़ ही नहीं थी, पूरी रोड जो थी ये पूरी खाली थी चलने लायक, उसके अंदर कम से कम 3 गाड़ी एक साथ निकल सकती है, इतनी जगह। हाँ, और ग्राफिक लेन भी जा चुकी है। ग्राफिक लेन थी वहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा सस्ता सारा मतलब कपड़े वगैरह मिलते थे, वो भी नहीं है, केस वगैरह चल रहा है ना। बट अगर सरोजनी नगर आना है ना तो फिर अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग आओ, 10:30 मतलब 11 o'clock यहाँ पहुँच जाओ। हाँ, 11 और फिर आप आराम से अपना सामान ले सकते हो सब कुछ, और वीकेंड पे तो बिल्कुल मत आना, सैटरडे बिल्कुल तो भी नहीं आना, मंडे ट्यूजडे फ्राइडे उसके बाद, और वही मतलब क्योंकि 12 बजे के बाद भीड़ हो जाएगी, अभी बहुत ज्यादा भीड़ होनी। बार्गेनिंग करना मत भूलना, बार्गेनिंग हर किसी से करना, उनको बोला भैया दे रहे हो या फिर कहीं और से ले लो, अपने 50 रुपए कम कर, 50 रुपए नहीं बहुत ज्यादा फर्क आएगा, मतलब वो 250 बोलेंगे तो पहले 150 या 100 रुपए स्टार्ट करो। हाँ। क्योंकि यहाँ पे डबल ओवर प्राइस बताते हैं हर चीज में, हर बंदा ओवर प्राइस जाएगा यहाँ पे। इसने करी है बार्गेनिंग इतनी मस्त, एकदम मजा आया कसम से, तेरे को ही लेके जाऊंगी शॉपिंग करी, मेरी मम्मी से भी अच्छी करी थी ना बार्गेनिंग, तो बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए हर किसी को। एक जगह करी थी, वी आर इंडियंस। ओके करते हैं वीडियो को एंड, अब जा रहे हैं हम अपने घर, फिर आएगी जल्द ही धीरे धीरे शॉर्ट्स जो हमने लिया है, क्या लिया, मैंने लिया, इसने तो लिया नहीं है। ओके गाइस, मैंने लिया है कुछ, पर बर्थडे गिफ्ट लिया है इसने मेरा ना। बर्थडे गिफ्ट नहीं लिया मैंने कोई भी, चलो ओके, वो मेरे लिए खुद के लिए चुप रहती है ना, वो मैं खुद लगाऊंगा, खुद यूज करूंगा, चुप कर। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही ज्यादा जल्दी आएगी, तब तक के लिए अब हमारे शॉर्ट्स एंजॉय कर लेना, शॉर्ट्स और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो यार, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि सरोजनी नगर वाली है, शेयर तो कर ही देना भाई लड़कियों, मतलब कि थोड़ा सा सब्सक्राइब पे ध्यान दो, रेड कलर का बटन होता है और उसके साइड में एक घंटी होती है, वो जरूर बेल आइकन, प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू नो फर्दर अपडेट्स। ओके, इतना इंग्लिश नहीं आती मेरे को, पर वो घंटी जरूर दबा देना यार, उस घंटी पे रख के चाहे जो मर्जी मार रहे हैं, जो तुम्हारा मन कर रहा है, हम
तुम्हारे को ऐसे नहीं बोल रहे कि अपना फोन तोड़ देना, पर घंटी जरूर प्रेस करना। थैंक यू। थैंक यू। बाय।